हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लकी कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है टाइप ऑफ सेट। आपने इसके पहले वीडियो में देखा होगा, हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 और उसके पहले का जो बेसिक है रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म किसको बोलते हैं, वो हमने उस वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखेंगे नया टाइप जिसमें हमको देखना है कि कितने टाइप के सेट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में हम देखेंगे कि कितने टाइप के सेट है इसमें। इसमें है टोटल चार टाइप के सेट। पहला सेट का नाम है सिंगलटन सेट। एक मिनट, सिंगलटन सेट। ठीक है, दूसरा सेट का नाम है एम्प्टी सेट। तीसरे सेट का नाम है फाइनाइट सेट। और फोर्थ नंबर है इनफाइनाइट सेट। इन चारों के बारे में हमको वन बाय वन समझना है। ठीक है, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, इसका नाम है सिंगलटन। सिंगलटन सेट क्या बोलता है? अब देखो, सिंगलटन सेट में ही सब कुछ छुपा है। सिंगल मतलब क्या हुआ? वन। तो जिस सेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट यानी सिर्फ वन एलिमेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, मैंने यहाँ पे एक सेट बना दिया। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, मैं ए इज इक्वल टू टू, मतलब क्या है, इस सेट के अंदर में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज ए इज एन इवन प्राइम नंबर। ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये दोनों भी एग्जांपल कौन से हो गए? सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया। और एक और एग्जांपल ले लेता, जैसे कि मैंने लिख लिया एक्स, या फिर हाँ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और कॉमा करके यहाँ लिख दिया मैंने कि एक्स जो है वो लेस देन और ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने समझ लो 7। तो एक्स क्या रहना चाहिए? 5 से बड़ा और 7 से छोटा। तो क्या आएगा? एक ही एलिमेंट आएगा। जैसे इसको मैंने अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो क्या बोल रहा हूँ, एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। और एक्स क्या रहना चाहिए? 5 से बड़ा और 7 से छोटा, मतलब एक ही नंबर आएगा 6। तो ये भी एग्जांपल का क्या हो गया? सिंगलटन सेट का। तो सिंगलटन सेट का मतलब अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है। ठीक है, तो सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्या बनेगी? ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। समझ में आ गया होगा। तो सिंगलटन सेट में डेफिनेशन क्या बन रही है? अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जो सिर्फ कितना एलिमेंट कंटेन करता है? एक ही एलिमेंट कंटेन करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। और उसकी ये एग्जांपल लिख दिया। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। चलो उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं। देखो अब एम्प्टी सेट देखेंगे। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट में मतलब एम्प्टी मतलब क्या होता है, इसी को और एक नाम लिख देंगे, नल सेट। एम्प्टी सेट को ही क्या बोलते हैं? नल सेट। नल यानी खाली, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, इसका मतलब वो क्या? एम्प्टी सेट है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैं एक ए सेट लिखा जिसमें मैंने लिखा ऐसा। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, मतलब ये कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट को दो तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ए इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये चीज़ क्या है? तो ये जो साइन है ये फाइ का साइन है, इसको क्या रीड करना पड़ता है? रीड एज फाइ,
फाई, इसको क्या बोलना पड़ता है फाई, और फाई क्या डिनोट करता है, फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, खाली सेट, एम्प्टी सेट डिनोट करता है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल। अब इसके लिए देखो, जैसे कि मेरे को अगर कोई एग्जांपल आया कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं पहचानो, तो एक एग्जांपल ले लेता, जैसे कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, या ऐसा ना लिखते हो, ऐसा लिखते हो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, कॉमा यहाँ पे दे दिया मैंने एक्स, यहाँ दे दिया एक्स लेस देन ग्रेटर देन, ये लिख दिया फाइव और यहाँ लिख दिया सिक्स। अब देखो नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसका मैं क्या बनाऊँगा, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में एक्स क्या रहना चाहिए, पाँच से बड़ा और छः से छोटा, तो यानी साढ़े पाँच आएगा, और साढ़े पाँच नेचुरल नंबर आता है क्या, 5.5 जो है वो नेचुरल नंबर में आता है क्या, नहीं आता, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ये कैसा रहेगा, ब्लैंक रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। इसी को अपन इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ऐसा या फिर ए इज इक्वल टू ऐसा, ये हो गया इसका आंसर। तो इसका मतलब ये ए सेट कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट, तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे ए इज ए एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। और इसको अपन नल सेट भी बोल सकते हैं, और नल सेट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी फिर, ए सेट डज नॉट कंटेन, ए सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ए सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, ठीक है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये साइन और फाइ, ये साइन, ठीक है। तो ये हो गया एम्प्टी सेट की डेफिनेशन। अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट क्या नहीं होता है, नहीं रहता, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैसा, ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा, ये हो गया एम्प्टी सेट। चलो अब स्टार्ट करेंगे। अब थर्ड नंबर में देखेंगे अपन फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 और यहाँ लिख दिया 20। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए सेट में इवन नंबर तो है, पर इवन नंबर बोला तो इवन नंबर अनलिमिटेड होते हैं, पर इसमें क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जाके क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है। टर्मिनेट होना मतलब ही क्या हो रहा है, ख़त्म होना। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेज पे आके क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे अपन, फाइनाइट सेट, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे मैंने बी एग्जांपल लिया, यहाँ पे लिखा मैंने जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इसको मैंने ख़त्म कर दिया 21 पे जाके ख़त्म कर दिया। तो अब बताओ ये जो है, ये आपको सभी को बताऊंगा, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर तो है, पर ये ऑड नंबर कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, 21 पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। मतलब ऐसा सेट जिसका काउंटिंग तो अपन कर सकते हैं और वो टर्मिनेट भी होना चाहिए, एक सर्टन स्टेज पे जाके वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट, इफ काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए सेट इज टर्मिनेटिंग एट अ सर्टन स्टेज इज कॉल्ड, क्या बोला मैंने, इफ काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट इज टर्मिनेटिंग एट अ सर्टन स्टेज इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इजी है,
क्या बोल रहा है डिफिनेशन फाइनाइट सेट में, इफ़ काउंटिंग, काउंटिंग मतलब अपन उसको काउंट कर सकते हैं एलिमेंट को, काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट इज क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग एट अ सर्टन स्टेज। टर्मिनेट मतलब देखो यहाँ पे 20 पे आके टर्मिनेट हो गया या 21 पे आके टर्मिनेट हो गया, ये इवन नंबर है पर ये 20 पे आके टर्मिनेट हो गया, ये ऑड नंबर है पर ये 21 पे जाके टर्मिनेट हो गया, इस वजह से ये कौन से सेट रहेंगे, फाइनाइट सेट रहेंगे, ए इज अ फाइनाइट सेट, बी इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इसी के अंदर में क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, जैसे कि देखो ये फोर्थ नंबर यहीं पे ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया इनफाइनाइट, क्या लिख दिया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट में कहूँगा ये डेफिनेशन, इफ काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट इज, इज के बाद कहेंगे नॉट टर्मिनेटिंग, इज नॉट टर्मिनेटिंग एट अ सर्टन स्टेज इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। और यहाँ पे क्या होगा, ए यही सेम एग्जाम्पल रहेगा, यहाँ पे सिर्फ मेरे को ये नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं होने को ना, मतलब 10 के बाद ये नॉन स्टॉप चालू है। यहाँ पे भी बी 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ये 21 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा, ये भी क्या है ये भी नॉन स्टॉप चालू है, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको कौन सा सेट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। हो गया, तो ऐसे कितने सेट पढ़ना था अपने को, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो इसके बारे में मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा, अब इसके ऊपर अपने को इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज करके देखना है कि कौन सा एम्प्टी सेट रहेगा, कौन सिंगलटन सेट रहेगा और कौन इनफाइनाइट सेट रहेगा और कौन फाइनाइट सेट रहेगा, बस हो गया। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं एक्सरसाइज।